पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो आज का हुआ है टेस्ट, टेस्ट नंबर 25 आर्टिकल का जो अनाउंस का था हमारा। तो आप अगर सेंटेंस नंबर 116 में देखें तो हमारा द इंग्लिश पास्ट, देखिए इंग्लिश के साथ द कभी लगेगा अगर ये कोई नेशन है, अदरवाइज क्या नाम लेते हैं, ये अगर किसी सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज का नाम है तो हम नहीं लेंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की जुबान है, क्योंकि दूसरा इंग्लिश अंग्रेजों के लिए तो मैं द इंग्लिश कह सकता हूँ, यहाँ तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी है, तो हम द नहीं लगाएंगे। तो सी में कोई खराबी है, अगर आपको किसी और ऑप्शन में इशू लगे तो आप उस बारे में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, रिटर्न भी ऑरल भी। 117 शी वॉज दी लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल। देखिए इस जुमले में हम खातून को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सी खात, तो शी वॉज अ लार्ज वुमेन नॉट द लार्ज वुमेन। तो द लार्ज वुमेन अगर मुझे करना है तो लाजमी तौर पर वुमेन के साथ मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिससे वुमेन स्पेसिफाई हो जाए। शी वॉज द लार्ज वुमेन आई मेट लास्ट डे, जैसे मैं कह दूँ जिससे मैं पिछले दिन मिला था, मैं द लार्ज वुमेन कह भी दूँ तो फिर तो ठीक है, तो भाई सब नहीं लगाएंगे, नहीं जी हम आगे 118 के फिर। तो 118 में अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि व्हाट लेसन इट वुड बी, व्हाट आ लेसन, देखो जो लफ्ज लेसन है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, हम विदाउट नहीं जाएंगे। दूसरी चीज वैसे भी इधर व्हाट आना ही आना है, हम यहाँ जो वड़ा यूज कर रहे हैं तो वो असल में एक ना एक्सप्रेशन है उसका, जो वाओ का एक्सप्रेशन होता है, एक्सक्लेमेशन जिसको हम कहते होते हैं, एक तरह से है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहे हैं हम शॉट, जैसे वो कहते होते हैं कि क्रिकेट में व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बॉल, तो व्हाट अ लेसन, तो ये व्हाट आना ही आना है, एक हैरानी के इजहार के तौर पर एक्सक्लेमेशन है और वंडर की यहाँ, तो व्हाट आना ही आना है हमारा यहाँ, याद रखिएगा। 119 पे आते हैं, नॉर्थ और साउथ के साथ हम यहाँ दा नहीं लगाएंगे, जैसे डायरेक्शन के साथ दा आता है, लेकिन अगर डायरेक्शन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो तो तब आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, वो वजह कि वहां वो उस डायरेक्शन के तौर पर नहीं, वहां वो नाउन के तौर पर आया है, प्रॉपर नाउन के तौर पर आया, प्रॉपर नाउन के तौर पर अगर डायरेक्शन प्रॉपर नाउन के तौर पर आए तो तब आप उसके साथ दा नहीं यूज करते, अगर वो कॉमन नाउन के तौर पर आए या एडजेक्टिव के तौर पर आए तो आप दा यूज करते हैं। जैसे ऑन द नॉर्थ साइड चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ गौर करो डायरेक्शन है और वहाँ नॉर्थ का एन स्मॉल भी है, यहाँ नॉर्थ का एन कैपिटल है, दैट शोज कि ये प्रॉपर नाउन है और ये डायरेक्शन प्रॉपर नाउन के तौर पर आए तो आप द यूज नहीं कर रहे। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान इज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने से कोई माइक ऑन करके बताएगा कि गुलिस्तान के साथ दा लगाने की क्या वजह, कोई भी जी बच्चो कोई भी आपने बता सकता है, नहीं तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, वैसे आप लोगों को बताना चाहिए सर स्पेसिफिक कंट्री का नाम, गुलिस्तान कंट्री का नाम तो नहीं था, गुलिस्तान उसकी बुक का नाम था। जी बात बात, हाँ हाँ बोलो, किसी भी स्पेसिफिक चीज का नाम है ना। अच्छा तो आपका नाम क्या है? शुएब सर। मैं कहूँ दा शुएब, आप भी तो स्पेसिफिक है, मकसूद है। नहीं सर, इस सेंटेंस में इसको स्पेसिफिक किया है। कैसे पता लगा स्पेसिफिक किया गया है, कैसे पता लगा कि स्पेसिफिक किया गया है? फिर आपका ना आवाज बंद होगी बोलते बोलते, जरा दोबारा बोले। जल्दी चले स्टूडेंट, जिसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, म्यूट हो गई थी, बच्चे दोबारा बोले, सही बोल रही थी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची बिल्कुल भी,
जरा से भी बजे एटलीस्ट मुझे तक क्यों नहीं पहुंची। चलिए कोई और बोलना चाहे, अगर वही बच्चा दोबारा बोल सकता है तो बोल दे, नहीं तो कोई और बोलना चाहे। मैं कह रही हूँ कि जैसे बुक का नेम हो या कोई न्यूज पेपर वगैरह का नेम हो, जैसे द टाइम्स है या कोई बुक है जैसे द हिंदुस्तान, तो सर इनके नेम के साथ आर्टिकल यूज होते हैं। यस, अच्छा बुक्स के नेम के साथ आर्टिकल यूज होते होते हैं यूजली कब, जब वो किसी नाउन से निकाले गए हैं, ये भी याद रखना, एम ए नहीं, जब वो किसी नाउन से निकाले गए हैं, किसी न किसी नाउन के नेम पर रखे गए हैं, तो तब हम कर कह देते होते हैं उसके साथ। जैसे गुलिस्तान एक बागीचे है, वैसे तो देखो पर्शियन में तो गुलिस्तान है, दा तो है ही नहीं, इंग्लिश में जब उसका नाम रखा गया तो दा गुलिस्तान रखना पड़ गया, क्योंकि वो एक गुलिस्तान एक बागीचे का नाम होता है, तो वो कॉमन नाउन वगैरह किसी से भी बना। जैसे मेरी कार है, मैं कार के ऊपर एक बुक का नाम रख रहा हूँ लफ्ज़ कार से, तो मैं दा कार रखूंगा बुक का नाम, ठीक हो गया जी। तो इसलिए दा गुलिस्तान आना, ठीक है जी। आपका आंसर बच्चे 121 पे आते हैं, तो बेसिक मैकेनिक एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द व्हीकल, मैकेनिक सब्जेक्ट का नाम भी मैकेनिक है, और जो किसी चीज का जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो भी इसका मैकेनिक्स होता है। जो मैकेनिक है आपको पता है वो तो वो शख्स है जो गाड़ियां ठीक वगैरह कर रहा होता है, उनकी रिपेयरिंग करता है, वो मैकेनिक कह रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 122 पे, एडवाइसेज यूज नहीं होता, आपको पता नहीं कि एडवाइसेज एक एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल नहीं होती। हाँ अगर इसको प्लूरल बंद करना भी हो तो पीसीज ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मेनी पीसीज ऑफ एडवाइस, तो हम पीसीज का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन वैसे एडवाइसेज का वर्ड यूज नहीं करेंगे। 123 पर आ गए जी हम, तो इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट नॉर्मा सा द कार्ड हाफ, हाफ की प्लूरल हाफ, जैसे वाइफ की प्लूरल वाइफ, किसी लेफ्ट हैंड पर एफ या एफ ई आए तो यूजली वी ई एस बनता है, हर जगह नहीं लेकिन यूजली 90% से ज्यादा हमारे वहाँ वी ई एस बनता है, तो हाफ की प्लूरल हाफ होती है, जैसे नाइफ की प्लूरल नाइव्स होती है, वी ई एस लगता होता है जी भी एफ उतार के। और बाय मीन्स, इसमें भी गलत था, बाय मीन्स ऑफ मीन्स जरिया, मीन्स सोर्स, जरिया मेथड के लिए भी यूज करते हैं, तो एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ वाइल ऑफ अ पर्सन, तो मीन जरिया, मीन तो मतलब हो सकता है, घटिया हो सकता है, का मीनिंग या एवरेज हो सकता है, लेकिन जरिए के लिए मीन का वर्ड नहीं, वो मीन ही होता है। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल नहीं होती थी। 126 में आ गए जी हम, द फ्यू पेंस आर वीक पॉकेट मनी वी रिसीव, देखो यहाँ जो पेंस है वो पर्टिकुलराइज हो गया, स्पेसिफाई हो गया, कौन सा, द फ्यू पेंस वी रिसीव, कौन से पेंस जो हमें मिलते थे, वो पेंस नहीं जो हमने बचा रखे थे, वो पेंस नहीं जो हमने गुम कर दिए थे, वो पेंस जो हमें मिलते थे, मखसूस हो गए कौन से पेंस, तो हम दाफ यू कहेंगे, आप यू हम लगाते होते थोड़े से, दाफ यू थोड़े से मखसूस, और क्यू ना होने के बराबर, और वैसे भी क्यू का फिर एफ कैपिटल चाहिए था, और द फ्यू पेंस आ वीक पॉकेट मनी आना चाहिए था, और वीक के जो है वीक के साथ आ मौजूद नहीं है। देखिए जैसे मैं कहता हूँ ही ईट एप्पल, नहीं कहना ही ईट्स एन एप्पल, कहना ही सिंग्स सॉन्ग, नहीं कहना ही सिंग्स आ सॉन्ग कहना है, तो सॉन्ग सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, कोई ना कोई आर्टिकल लेगा, एप्पल सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिन सकते ना, एप्पल टू एप्पल थ्री एप्पल, कॉमन नाउन भी है तो आर्टिकल आएगा, तो यहाँ भी आना चाहिए। 127 में हम लैंडिंग कर रहे हैं जी हम अपनी, तो आपको नजर आ रहा है 127 में, इट वॉज द ब्रुकफील्ड, देखो ब्रुकफील्ड एक अदारे का नाम है, अदारों के नाम के साथ हम नहीं लगाते, वो तो बुक का नेम था, हमने लगा दिया, जैसे मैं किसी अदारे का नाम रख लेता हूँ, क्या कहते होते हैं, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, तो दा नहीं लगा रहा, हाँ अगर वो नाम प्लूरल हो तो दा लग जाएगा, जैसे दा एजुकेटर कह लेते हो, अगर वो नेम प्लूरल है तो दा लग जाएगा, अगर सिंगुलर नेम है तो दा नहीं लग सकता। तो ये था इट वॉज ब्रुकफील्ड, आर्टिकल कोई भी नहीं है ना, घर कॉमन प्रॉपर नाउन है, आप एक प्रॉपर नाउन है, आपके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, देखो तो यहाँ भी ग्रीनविच टाइम के साथ गलत है, मोर देन ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम याद रखिएगा एक बेसिक टाइम यूनिट है जिसके बेस पर पूरी दुनिया का टाइम मेजर होता है, इसलिए तो जीएमटी कहते हैं टाइम को, ये इंग्लैंड का एक इलाका है, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है मेजर करना, उससे मेजर किया जाता है कि कोई मुल्क कितने घंटे आगे है या कितने घंटे पीछे,
अगर ग्रीनविच में 5 बजे हुए तो अगर कोई मुल्क उससे 3 घंटे आगे तो वहाँ 8 बजे हुए, कोई उससे 3 घंटे पीछे तो वहाँ 2 बजे हुए। तो ग्रीनविच टाइम जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो उसके साथ आ नहीं आना। इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम भी एक प्रॉपर नाउन बन जाता है, और प्रॉपर नाउन जैसे ब्रुकफील्ड है उसके साथ आर्टिकल नहीं आ रहा, तो ग्रीनविच टाइम के साथ भी नहीं आ रहा। नहीं, हम 128 पे आ गए जी। तो फ्लेमिंग, जब भी फैमिली नेम्स आते हैं तो हम दा जोड़ लगाते हैं, और वो होते भी प्लूरल है, और वैसे भी प्रॉपर नाउन प्लूरल हो जाए तो दा लगता है, जैसे द अराइंस, द राजपूत, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द फ्लेमिंग। तो चार्ली हमारा ठीक है, डेल्टा में दा फ्लेमिंग्स तो था, लेकिन गौर करें वर बिकमिंग मेडिकल फैमिली नहीं आ मेडिकल फैमिली, फैमिली सिंगुलर काउंटेबल कॉमन, वही रूल अप्लाई हो रहा है जो पीछे बात कर रहे थे कि सेंग अ सॉन्ग, तो आ सॉन्ग आया तो आ फैमिली भी आना है हमारा सारा डेफिनेटली। 129 पे आते हैं, द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन सेकंड मॉर्निंग, ऑन द सेकंड मॉर्निंग आना है। गौर करें, मैंने आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये है कार्डिनल्स, सॉरी ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल होते हैं जो ऑर्डर शो करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और कार्डिनल्स होते हैं जो सिर्फ नंबर शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्डिनल है। ऑर्डिनल जो ऑर्डर शो करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर शो हो गया। ये जब भी किसी नाउन के साथ लगे आते हैं, मतलब एडजेक्टिव बन के आते हैं तो दा जोड़ लेते हैं। मॉर्निंग नाउन है तो सेकंड एडजेक्टिव है, जैसे ही गॉड दी सेकंड पोजीशन, तो दी सेकंड पोजीशन, पोजीशन नाउन तो सेकंड एडजेक्टिव था ही था, तो दा आना ही आना था बेटा, इसलिए अल्फा गलत था, बीटा में विविड की गलती थी। जो स्टोरी केम विविड में विविड नहीं, केम वर्ब है तो वर्ब के साथ एडवर्ब चाहिए था, और डेल्टा में इन द सेकंड मॉर्निंग नहीं ऑन द सेकंड मॉर्निंग चाहिए। वैसे इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, ऑन द मंडे मॉर्निंग, ऑन द सेकंड मॉर्निंग, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग, ऑन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो हम दा लगा ऑन लगा रहे होते हैं। ठीक है जी, देखो ऑन आ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, अब मैंने आ लगाया क्योंकि ब्यूटीफुल तो कोई ऑर्डिनल नहीं था ना, सेकंड ऑर्डिनल है तो मुझे दा लगाना पड़ा, एडजेक्टिव के तौर पर आया था। डेजर्ट के नेम के साथ दा आता है तो दा सहारा आना था, बीटा में दा तो लगा हुआ था, लेकिन अल्जेरिस के साथ दा लगाया। देखो सहारा एक डेजर्ट है, डेजर्ट के नेम के साथ आता है, कंट्रीज के नेम के साथ नहीं आता, तो यहाँ अल्जेरिस के नेम के साथ नहीं आना था। हाँ, उन कंट्रीज के नेम के साथ आता है जो स्टेट्स होती हैं, जो मुख्तलिफ स्टेट्स का मजमूआ होती है। और जो चार्ली है इसके नेम के साथ, इसमें गौर करें ऑन द नॉर्थ, देखो नॉर्थ का कैपिटल है, स्मॉल है, इसका मतलब ये जो नॉर्थ है ये जो आया है वो डायरेक्शन के तौर पर आया है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो हम दा लगाएंगे लगाएंगे। अफ्रीका के साथ भी जो है वो दा जो है वो हमारा गलत है, बेसिकली ऑन नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के नेम के साथ दा नहीं आता होता, ये सारी गलतियाँ डेल्टा में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट इज वाई डेल्टा हमारा राइट आंसर। नहीं बच्चा पार्टी, हम अब आगे मूव करते हैं 131 पे। वाइज मदर इन लॉ, ना मदर इन लॉ, जब भी कोई भी कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो एक से ज्यादा नाउन का कंप्राइज करता है उसमें प्रेपोजिशन आ जाए, अगर मैं कल भी बात कर रहा था परसों कि हम उसके फिर फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करते हैं, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, और ये गलती हमारे पास अल्फा में थी, बीटा में करेक्ट था, चार्ली में क्या हुआ सन इन लॉ, सन इन लॉ, और डेल्टा में देयर सन इन लॉ एज रियल सन इन सन, जरा ज्यादा है सन इन लॉ है, तो रियल सन ही हमारा आंसर बनना चाहिए। 132 पे लैंडिंग करते हैं जी। आपको नजर आ रहा है कि द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, देखो ये किसी मखसूस आदमी की बात हो रही है, अगर लफज मैन पूरी निगे इंसानी को, ह्यूमन बींग सारों को शो कर दे तो फिर नहीं आर्टिकल आता, लेकिन यहाँ पे एक खास आदमी है जिसके बाल फूल पड़ाते हुए उसको महसूस हुए थे, तो हमें दाल गाने लगाना है, आ भी नहीं लगाना। ओके जी, तो चार्ली में हिज हेयर नहीं हेयर, आपके सर पर ये जो बाल हैं ये जितने मर्जी ये जंगल हेयर है जी, ये हेयर नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप इनको गिने 2 हेयर 3 हेयर 4 हेयर कह सकते हैं, बिखरे हुए हो कहीं जमीन पर काट कर तो हेयर कह सकते हैं, आपके सर पर लगे हुए तो ये हेयर ही है। ओके, द मैन फेल्ट इज हेयर, हिज नहीं लगाना, फिर देयर लगाना है। अगर आपने मैन लगा लिया, गौर करें बच्चों, मैं दोबारा कर जाता हूँ, अगर आपने मैन लगा लिया तो फिर हिज नहीं आना, और ज्यादा आदमी तो टिश्यू भी नहीं आना, टिश्यूज ऑफ देयर बॉडी आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें काफी सारी डेल्टा में गलतियां बन गई। 133 में आ रहे हैं, यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 टाइम, 100, देखो 100 एक है
तो जो सिंगुलर काउंटेबल है जैसे ही सहेगा सॉन्ग 100 भी तो होते हैं, 200, 300 काउंट होते हैं, तो हम 100 है सिंगुलर है, काउंटेबल कॉमन है तो अलग आएंगे। हंड्रेड नहीं कह सकते जब तक इसके बाद ऑफ ना आ जाए, हंड्रेड ऑफ टाइम वो होता है, आपको होता है ना नाउन ऑफ नंबर के बाद थाउजेंड ऑफ साल, मिलियन ऑफ साल, तो हंड्रेड ऑफ, मिलियन ऑफ, ट्रिलियन ऑफ, थाउजेंड ऑफ, इनके बाद ऑफ आए तो हम इनको प्रोल करते हैं वरना नहीं करते। चार्मी में क्या गलती आ गई, यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच आ हंड्रेड, आ भी आ गया, हंड्रेड भी आ गया, गलत है। डेल्टा में भी आ हंड्रेड लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो आ हंड्रेड सॉरी जो है वो गलत है, आ हंड्रेड होता है। 134 पे आते हैं जी, वन ऑफ दी रीजन, देखो वन ऑफ दी बॉय तो नहीं होता, वन ऑफ दी बॉयज होता है तो वन ऑफ के बाद प्लूरल होता है, वन ऑफ दी बुक नहीं होता कि किताब में से, किताबों में से, लड़कों में से, वन ऑफ दी बॉयज, वन ऑफ दी बुक, वन ऑफ दी रीजन। बीटा में क्या आया, टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ, ये प्रोनाउन में आप पढ़ेंगे कि जब आप एक्शन खुद पर कर रहे हो तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है, बल्कि पीछे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की बात भी हुई थी एक दिन काफी। तो आई कट मीनू, काटा किसने, आई ने कटा को, आई खुद तो माई सेल्फ आना, जब एक्शन सब्जेक्ट पर वापस आ जाए तो सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज होता है जी, तो दे कट कट देम सेल्फ, तो दे कट देम नहीं होता, तो इंटॉक्सिकेट भी उसने खुद को करना था, करना भी खुद ही था, तो इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ, ये क्रिटन वाले लेसन से लाइन है। और डेल्टा में क्या आया, इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ बाय योर प्रिमिटिव माइंड, नहीं विद योर प्रिमिटिव माइंड, देखो बाय होता है आगे एजेंट हो, पर्सन हो, असलम वाज किल्ड बाय अकरम, अकरम एजेंट था जिसने ये काम किया, बंदा मार दिया, तो विद अ रॉड, एक रॉड से मारा, विद अ गन वो उसका टूल है, तो ये भी उसका टूल है, प्रिमिटिव माइंड, वो हमारे जहनों को इस्तेमाल करके, जैसे उसने गन का इस्तेमाल किया तो गन टूल था, वो जहनों का इस्तेमाल करके इंटॉक्सिकेट करना चाहते हैं तो जहन उसका हमारा उसके लिए टूल है, हमसे नहीं, हम होता तो वो बाय, सिर्फ हमने करना था उसको इंटॉक्सिकेट, तो बाय नहीं आना, विधान है। नेक्स्ट आते 135 आखिरी वाला, तो वुड्स होता है जी जंगलात, या जो वुड होता है वो केवल लकड़ी होता है, तो कॉफी ट्री मिला है हमारी लकड़ी में ना, हमारी जंगलात में, तो वुड्स होता है जंगलात, फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वी फाउंड, ही फाउंड आ कॉफी ट्री, देखो ट्री सिंगुलर काउंटेबल है तो आ कॉफी ट्री आना है ना, जैसे ही सैंग सॉन्ग नहीं कहना, ही सैंग का सॉन्ग कहना है, तो ही फाउंड कॉफी ट्री नहीं, फाउंड आ कॉफी ट्री, तो आर्टिकल के बगैर तो आप नहीं जा सकते। और डेल्टा में गलती क्या आई, आवर्स वुड, देखो आवर्स हाउस नहीं ना कहते, आवर हाउस कहते हैं, आर हाउस, अगर हमें कहना है दिस इज आर हाउस या दिस इज आर, अगर आर लगाएंगे तो आगे दोबारा नाउन नहीं आना, तो जब आगे दोबारा, वैसे वुड भी गलत है, वुड आना है, आर भी गलत है, आर वुड आना है, तो ये सारी हमारी गलतियां थी। तो ये बेटा आज का हमारा पेपर था, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो डू आस्क मी, सेंड कर सकते हैं रिटर्न में, या ऑरली भी आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं।